सदर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। हम आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिसने पिछले दो दशक से इस देश को आंदोलित भी किया, प्रेरित भी किया और लाभान्वित किया। हम बात कर रहे हैं स्वामी रामदेव जी के अनन्य सहयोगी, पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण जी के संदर्भ में। आचार्य बालकृष्ण जी ने जहां आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने कामों से चमत्कार किया है, वहीं स्वामी रामदेव जी योग के प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक किए हैं। लेकिन वर्तमान में पतंजलि योगपीठ और स्वामी रामदेव दोनों ही विवादों में हैं। विवादों की वजह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ चल रहा विवाद है। वर्तमान हालातों पर बात करने के लिए हम सीधे हरिद्वार का रुख करते हैं, जहां आचार्य बालकृष्ण जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके माध्यम से इस पूरे विवाद को भी समझेंगे और साथ साथ कोरोना की इस महामारी के दौरान किस प्रकार से योग और आयुर्वेद हमारे लिए मददगार हो सकते हैं उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे चलते हैं हरिद्वार। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम ई सार्थक संवाद में आपका। नमस्कार भाई जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगा कि ये अचानक आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में काम करते करते ये एलोपैथी के खिलाफ काम करना क्यों शुरू हो गया? क्या ऐसी नाराजगी, क्या ऐसी क्षुब्धता, क्या ऐसा असंतोष हुआ जिसके चलते देश भर के तमाम डॉक्टर इस समय समझ नहीं पा रहे हैं कि उनसे गलती क्या हो गई ऐसी, जो ऐसे बयान सामने आ रहे हैं? दुनिया में इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर सब सामना कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर आज लोग भयभीत हैं। मानवता आज पीड़ित है, संक्रमित है और भयभीत है। इस स्थिति पर जब कोरोना प्रारंभ ही नहीं हुआ था, उस समय पर भारत में शुरू भी नहीं हुआ था, उस समय पर हमारी 300 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम ने बैठ करके अनुसंधान शुरू किया और लगभग 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर, जो 1000 से उससे ज्यादा कंपाउंड के ऊपर काम करके सिमुलेशन करके, फिर इन विट्रो क्लिनिकल और RCT-RI रजिस्ट्रेशन, यानी पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पैरामीटर्स, मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मेडिकल सिस्टम की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात कर रहा हूँ जी। करने के बाद हम एक औषधि लेकर के आते हैं, हम कहते हैं कि ये कोरोना के लिए लाभकारी औषधि है। पहले तो आयुष मंत्रालय के द्वारा भी आपने सुना होगा कि उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि ये तो उनको पता भी नहीं था कि हम एलोपैथिक सिस्टम से जाकर के सारी सब तरह की उनकी जो लाइसेंस के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो सब पूरा करके काम लेकर के आए। फिर हमने उनको एक तरह से संतुष्ट किया, या एक तरह से आप कहिए कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन को उनके सामने सबमिट किया। उन्होंने सपोर्टिंग मेजर इन COVID-19 करके उन्होंने हमको एक स्वीकृति दे दी। उसके बाद हम लोग COPP लाइसेंस ले आए, WHO GMP सर्टिफिकेशन हम लेकर के आए और हमको CTRA यहाँ से DGCI से अप्रूवल मिल गया। तो देश के अंदर जो आयुर्वेदिक औषधियों में भी ये पहली दवाई है जो पूरी प्रक्रिया से गुजरी और पूरी दुनिया के अंदर करीबन 25 से ज्यादा रिसर्च टॉप लेवल के जर्नल्स में तो छप चुके हैं या तो छप रहे हैं। इतना होने के बाद एक दवाई निकल करके आई, आने के बाद में हमने कभी किसी को प्रश्न नहीं किया। हमने कहा कि भाई ये औषधि लाभकारी है, ये कोरोना के लिए सहयोगी हो सकती है और इतने लोगों पर ट्रायल हुआ। तो यदि मैं एलोपैथिक का विरोधी भी नहीं हूँ, एलोपैथिक के डॉक्टर का भी विरोधी नहीं हूँ, उसके अंदर एक जो तबका है जो जिसके योग आयुर्वेद के प्रति निष्ठा नहीं है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को उठता हुआ देखना नहीं चाहता है, जो ड्रग माफियाओं के द्वारा संचालित होता है, हम उनके खिलाफ हैं। तो उस समय पर क्या हुआ कि लोगों ने ये नहीं पूछा, रिसर्च के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था, बाकी चीजों पर लेकर के नहीं था, ये दवाई हो ही नहीं सकती, ये दवाई तो फर्जी है, क्लिनिकल ट्रायल तो हुआ ही नहीं है। अरे भाई, क्लिनिकल ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है आप हमसे पूछते, हमारे साथ संवाद करते, या गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज हैं, लाइसेंस देने वाली एजेंसी है, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है जी, हमारा जो है DGCI है, या CTRI ने हमको अप्रूवल दिया था, उनसे पूछते ना तुम जी। तो तुमने वो तो नहीं किया, तुमने सिर्फ प्रश्न खड़ा किया। यहां से प्रश्न शुरू होता है मेरे भैया हिमांशु जी, कहानी यही से शुरू होती है। और ये कहानी क्योंकि इनको हजम नहीं हुआ कि जिसकी दुनिया में दवाई नहीं
जिसको एलोपैथिक में कहीं दूर दूर तक औषधि नहीं, कोई एक आयुर्वेद की पद्धति, वो भी एक कोई फकीर, कोई आश्रम से जुड़ी संस्था, ये कैसे ला सकती है? ये जो हजम नहीं हुआ ना, जो उनका जो इंडाइजेशन है वो बीच बीच में निकलता रहा, मैं तो कहता हूं कि इसके ऊपर जो है ना आईएमए के ऊपर भी इनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो जो कह रहे ना कि वो केस करेंगे हमारे ऊपर। हिमांशु भाई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोर्ट केस हम भी करने वाले हैं इनके अगेंस्ट। जी, कोर्ट केस के रास्ते पर आचार्य बालकृष्ण जी भी जाने वाले हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो तमाम प्रकार के प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जिस दवाई को लेकर आए कोरोना की महामारी के दौर में सहयोगी औषधि के रूप में, वो सफलता बर्दाश्त नहीं हो पा रही है एलोपैथी के से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में। लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। इस दौरान तो तमाम दवाइयों के संदर्भ में दावा किया गया आचार्य जी कि इसके माध्यम से जो है शायद कोरोना का इलाज हो जाएगा। पूरे देश भर में रेमडेसिविर का शायद ही कोई डॉक्टर बचा हो जिसने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। बाद में बड़ी आसानी से कह दिया गया कि रेमडेसिविर कोई बचाने में कारगर औषधि नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी के नाम पर पूरे देश में हजारों लाखों लोग भटकते हुए देखे सड़कों पर। बाद में अचानक कह दिया कि इसका कोई बहुत फायदा नहीं है, हम इसे प्रोटोकॉल से हटा रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रयोग बड़े स्तर पर कहा जा रहा है इमरजेंसी यूज का और कर दिया जा रहा है मास स्तर पर यूज का, इसके संदर्भ में आपका क्या नजरिया है? ये कौन सी पद्धति पे जा रहे हैं हम लोग? ये देखिए, जब आप जब तक कोई भी चीज, हमने पूरी तरह से प्रामाणिकता से एक औषधि बनाई जी। आपको डाउट था, आप क्लिनिकल ट्रायल करते, दो चार हॉस्पिटलों में ट्राई कर करके देखते, परिणामों को परखते, यदि परिणाम नहीं भी आता तो इससे गिलोय तुलसी अश्वगंधा खा के किसी की डेथ तो नहीं होती जी। एक दूसरी बात, आप एलोपैथिक देते हुए जो अभी आप चिकित्सा कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ पेशेंट्स को आप इसको चला देते आयुर्वेद को, कुछ पेशेंट्स को सिर्फ एलोपैथिक देते, इससे पेशेंट का रिस्क भी नहीं होता। आप ये तो देख सकते थे कि इसका जो एफिकेसी है, इसका जो परिणाम है वो कितना है, माप सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं हिमांशु भाई, हमने बहुत सारे संस्थानों को, बहुत सारे डॉक्टरों को संपर्क किया, प्रयास किया, पर ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह से कोई चीज खड़ी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात जो आपने बात की, बहुत बड़ी बात है कि जब कोई चीज एक्सपेरिमेंट के लेवल पर होती है, ट्रायल के लेवल पर होती है, तो ट्रायल्स छोटे से लेवल पर की जाती है। इन्होंने पूरे देश के अंदर एक तरह से पूरे देश को जो प्रयोगशाला में बदल दिया जी। ये कतई उचित नहीं था, और इसके लिए जो जिम्मेदारी तो लोगों को लेनी ही होगी, चाहे डॉक्टर शिकार बने हों, शिकारी कोई बड़े बड़े ड्रग माफिया हों, बड़े बड़ी एमएनसीज हों, कोई तो है, कहीं से तो संचालित है। आज देश की पीड़ित जनता, जो करोड़ों करोड़ों लोगों ने लाखों लाखों रुपया बर्बाद हो गए, घर भी फूक गया, धन संपत्ति भी चली गई, लोगों के प्राण भी चले गए, उसके लिए किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके लिए किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। एक बात मैं समझना चाहता हूं आचार्य जी आपसे, आप तो आयुर्वेद के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, इतना काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ही आयुर्वेद का जन्म हुआ और हिंदुस्तान में ही आयुर्वेद की स्वीकारोक्ति को लेकर इतना संघर्ष आपको करना पड़ रहा है, क्या कुछ कमी रह गई आयुर्वेद के अंदर जिसके कारण से विश्वास के स्तर पर इतना संघर्ष का सामना आपको करना पड़ रहा है? थोड़ा सा इसको विनम्रता पूर्वक दोनों पक्ष को मैं कहना चाहूंगा। एक तो किसी भी पद्धति और पैथी का स्थापित न होने में उन पद्धतियों के जो पुरोधा है, यदि मैं अपने को ही दोष दे दूं तो कोई उसमें वो नहीं है कि जो हम लोगों को काम करना चाहिए था, जो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। दूसरा, जो सरकारी जो एक तरह से उसमें संरक्षण प्राप्त होना चाहिए था वो भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 95 में जाकर के तो आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई, स्वतंत्र मंत्रालय तो अब जाकर के आदरणीय मोदी जी के सरकार में शुरू हुआ, फिर भी जो काम होना चाहिए था वो बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, जो बहुत सारे काम होना चाहिए उनकी गति भी मैं कहूं कि धीमी है, उस स्पीड को भी हमको बढ़ाना चाहिए। एक दूसरी बात, भारत वर्ष के अंदर एक ऐसी लॉबी हावी है, क्योंकि मैं तो इन दिनों कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत लोगों से हमने संवाद किया, चर्चा की, बातें की, लोग कहते हैं मिक्सोपैथी, हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम तो हम कहते थे कि इंटीग्रेटेड करो, सिस्टम को जोड़ो, जो विशेषताएं एलोपैथिक की है उनका भी ले लो, जो विशेषताएं आयुर्वेद की है उनको भी साथ में लेकर के समग्र चिकित्सा, क्योंकि रोगी का एक ही प्रयोजन, चिकित्सा चिकित्सक का एक ही प्रयोजन होना चाहिए कि वो रोगी की रोग का
समन कैसे कर सकता है, यानी रोगी की चिकित्सा ही चिकित्सक का मुख्य कार्य होना चाहिए। परंतु एलोपैथी के अंदर मैं धन्यवाद करता हूं उन चिकित्सकों का, बहुत सारे चिकित्सक हैं आदरणीय के अग्रवाल जी, IMA के भी वो अध्यक्ष रहे पहले, वो नहीं रहे, वो योग आयुर्वेद को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। आदरणीय हमारे जो है गुलेरिया जी, आदरणीय जो है हमारे त्रेहान जी, बहुत सारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो भारतीय विधा पद्धति का भी उतनी प्रशंसा करते हैं। परंतु बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के नाम पर जो उनको विज्ञान से या चिकित्सा पद्धति से नहीं, उनको तो एक तरह से योग आयुर्वेद को रोकने से उनका प्रयोजन है, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूं कि आयुर्वेद हजारों साल पुरानी पद्धति है, और ये जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति जिसका नाम एलोपैथी है, सैमुअल हैनीमन जो होम्योपैथ के जनक थे उन्होंने ये नाम दिया था, व्यंग्य के तौर पर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इस पैथी में जो रोग के लक्षण हो उसका उपचार ना होकर कुछ और का ही उपचार होता है, ये उनका व्यंग्य था इस पद्धति में। लेकिन पिछले 200 साल में जितना विस्तार एलोपैथी का हुआ है किसी अन्य पद्धति का वैसा विस्तार नहीं हुआ। अगर ये पद्धति इतनी ठीक नहीं, ये पद्धति इतनी लाभकारी नहीं, तो फिर पूरी दुनिया में इसका विस्तार इतना क्यों हो रहा है? देखिए भाई, कुछ चीजें हमको स्वीकार करना चाहिए। सुधांशु हिमांशु जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एक्यूट मैनेजमेंट है ना जी, वो जो ट्रॉमा के लिए अभी एलोपैथी के अंदर जो साधन है जी, वो दुनिया के अन्य पैथियों में नहीं है जी। हम मना नहीं करते हैं, कई लोग कहते हैं कि जैसे एक उदाहरण देते हैं लोग कि मेरे को भी एक बार इमरजेंसी की स्थिति आ गई थी, पॉइजनिंग हो गई थी जी, मैं भी हॉस्पिटल में रहा, तो कहते कि तुम आयुर्वेद की बात करते हो, तुम एलोपैथी क्यों अपनाते हो। इस तरह की जो दुर्बुद्धि है ना, दुर्बुद्धि बुद्धिहीनता वाले लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पतंजलि योगपीठ में भी प्रतिदिन सैकड़ों डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास चिकित्सा लेने के लिए जी। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, हम तो ये नहीं कहते वो क्यों आते हैं। भाई जो तुम्हारे पास खासियत है तुम उसकी प्रशंसा करो, हम भी करेंगे। जो आयुर्वेद के अंदर विशेषताएं हैं उसको भी आप स्वीकार करो, हम इतना ही तो कह रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि दुनिया में आयुर्वेद ही होना चाहिए, पर तुम क्यों कहते हो कि दुनिया में एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति है, बात इतनी ही है। बड़ी तार्किक बात कही आचार्य बालकृष्ण जी ने कि अगर आपके पास कोई अच्छा है तो वो भी जनता को मिलना चाहिए, मनुष्य जाति को मिलना चाहिए, और आयुर्वेद में भी कुछ अच्छा है तो उसके संदर्भ में ऐतराज आपका इतना ज्यादा क्यों है? एक बात आपसे समझना चाहता हूं, भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय गठित कर दिया, क्या इतने मात्र से आचार्य बालकृष्ण संतुष्ट हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में जो काम की जरूरत इस समय देश में पूरी हो गई, या इसमें विस्तार देने की जरूरत है? सरकार ने फैसला लिया है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा, क्या आप नहीं महसूस करते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा को भी इसी प्रकार का किसी संरक्षण की जरूरत वर्तमान दौर में है? आयुर्वेद की संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जी, क्योंकि वो एलोपैथिक वालों को तो इतना भी सहन नहीं है कि आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी यदि ये कह देते हैं कि कोरोना में गिलोय तुलसी लौंग का काढ़ा पीने से लाभ हो सकता है, इतना कहने मात्र से भी बहुतों के पेट में दर्द होता है। पर इस देश का सौभाग्य है कि देश को ऐसा स्वास्थ्य मंत्री प्राप्त हुआ है। और जहां तक रही आयुर्वेद विभाग की, आयुष मंत्रालय की, मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत काम किया जाना बाकी है, स्पीड कम है, उनको अपनी गति बढ़ानी चाहिए, समय किसी की प्रतीक्षा करता नहीं है। इस समय पर भी यदि हम गति ना बढ़ा पाए तो शायद इतनी भी ऐसा भी समय दोबारा आए या ना आए, तो उनको गति बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरी रही कि हम इस बात के पक्षधर हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, जैसे चाइना है, चाइना के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम चलता है, एक ही कॉलेज के अंदर चाइनीज मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाया जाता है, बेसिक में प्राइमरी लेवल पर कंपलसरी है सबको चाइनीज मेडिसिन सिस्टम पढ़ना, और प्रैक्टिसेस में भी इसी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। तो एक योग्य डॉक्टर भी कभी अपनी पद्धति का विरोध नहीं करता। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर दो धाराएं हैं, धाराओं में भी पहले से बच्चों को जो है हीन भावनाएं हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम है दोनों एक ही तरह का दिया जाता है, वो बच्चे एक ही लेवल के होते हैं 19-20 होते हैं और कहते हैं कि वो जो एलोपैथिक में जिनका प्रवेश नहीं हुआ वो आयुर्वेद में चले गए। मैं क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूँ ये षड्यंत्र पूर्ण ढंग से जो एंट्रेंस एग्जाम एक ही तरह का लिया जाता है, इससे बच्चे के अंदर पहले से ही हीन भावना भर दी जाती है कि तू योग्य नहीं है इसलिए तू आयुर्वेद में है। यानी आयुर्वेद पद्धति तो दोयम उसी दिन हो जाती है जिस दिन बच्चे ने आयुर्वेद में प्रवेश भी नहीं लिया। मैं बीच में रोकना चाहूंगा आचार्य साहब आपको,
द्वयम नहीं हो जाता, तीसरे दर्जे का कर दिया जाता है। जो भारत में मेडिकल की परीक्षा है उसमें जिनके अंक ज्यादा होते हैं उन्हें एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, उससे कम जिनके अंक मिलते हैं उन्हें वेटनरी में एडमिशन मिलता है, पशुओं का चिकित्सक बनाया जाता है, और जो पशुओं के चिकित्सक के लायक भी अंक नहीं पाते उनको आयुर्वेद में भेजा जाता है। कुल मिलाकर व्यवस्था इस किस्म की बनी हुई है आचार्य जी, विनम्रता पूर्वक आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। और अब आपका नजरिया, पशुओं की चिकित्सक भी नहीं बन सके, उनको आदमियों की चिकित्सक जी। बच्चों की मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका एलोपैथिक में एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था, छोड़ करके वो बीएमएस कर रहे हैं जी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं कि देश के अंदर सब कुछ ही खत्म हो गया है, परंतु इससे बच्चों का जो मनोबल है, बार बार अभी लोग कह रहे हैं चर्चा में कि एलोपैथिक के डॉक्टरों का मनोबल गिराया जा रहा है, अरे तुम भाई देश के करोड़ों लोगों का जिस पद्धति से 60% आबादी आज ही चिकित्सा प्राप्त करती है तुम उसका मनोबल गिराते हो, पूरे 4.5 लाख से ज्यादा चिकित्सक हैं, तुम उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो, तब कोई मनोबल नहीं गिर रहा था जी। जब तुम्हारे सर पर आई किसी ने प्रश्न उठाया तुम बिलबिला गए जी। भाई दोनों तरफ से होती हैं, हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें, मिलकर के देश की सेवा करें। तो वही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही बच्चों के अंदर हीनता भर दी गई, बाद में जब वो डॉक्टर बन करके निकलता है, निकलने के बाद में एलोपैथिक वाले अपने आप को मानते हैं कि हम तो सुपीरियर हैं, ये तो जो है ये तो सामान्य है। ये जो भेद है, ये भेद को इतना बढ़ाया जा रहा है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि जो आयुर्वेद पढ़े उनको भी बेसिक लेवल पर एलोपैथिक का नॉलेज हो, और जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हो उनको भी बेसिक रूप से आयुर्वेद का सिद्धांत, आयुर्वेद की चिकित्सा विधाओं के विषय में नॉलेज हो, ये आने वाली समय की आवश्यकता है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ हिमांशु भाई, आज नहीं तो कल इसको करना ही पड़ेगा। अच्छा है कि सारे विवादों को मिटा करके जल्दी से इसको कर दिया जाए, जैसे चाइना के अंदर है तो ये देश का भला होगा, क्योंकि चाइना के अंदर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, पर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर दुर्भाग्य से एक तबका ऐसा भी है जो ये मानता है योग का प्रचार होगा, आयुर्वेद का प्रचार होगा तो हिंदुत्व का प्रचार होगा। मुझे एक तरह से तरस आती है उनकी बुद्धि पर, हमें एक पीड़ा होती है। आपने क्वेश्चन में भी मेरे को लिखा था कि पूछने के लिए कि मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं कि ईसाइयत के साथ आप क्यों जोड़ रहे हैं इस अभियान को। यहाँ आईएमए का जो प्रेसिडेंट है वो खुलेआम स्टेटमेंट दे रहा है, ये सब अखबारों में है, ये बड़े लेवल पर अवेलेबल है, आप नेट में सर्च तो कर लीजिए जयालाल जी का, आईएमए के जो अध्यक्ष का जो है वो डाल करके। ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया में है, इनका मकसद है। ये कहते हैं कि किसी भी तरह से क्रिश्चियनिटी का प्रचार हम मेडिकल कॉलेजों को माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से कर सके तो ये बड़ी बात होगी। भाई यहाँ विज्ञान कहाँ है, साइंस कहाँ है? वो कहते हैं कि जो रोगी ठीक हो रहे हैं वो तो यीशु मसीह की कृपा से हो रहे हैं, तो फिर तुम डॉक्टर काहे के हो भाई? सब कुछ अर्चन भेज दो, प्रार्थनाएं कर लेंगे, सब चंगाई हो जाएंगे, फिर दवाई की क्या जरूरत है? तो इस तरह की मानसिकता को फैलाने का भी एक तबका, क्षमा करिएगा, बहुत सारे जो चिकित्सक बनते हैं उनको इस बात का पता भी नहीं जी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के विवादों से आहत है, लेकिन आचार्य बालकृष्ण एक सार्थक सुझाव दे रहे हैं कि दोनों पद्धतियों के सम्मिश्रण की जरूरत है, दोनों पद्धतियां एक दूसरे को समझें और बेसिक नॉलेज दोनों ही पद्धतियों के चिकित्सकों के पास होनी चाहिए। मैं आखिरी दौर में ले चलता हूं बातचीत को आचार्य जी, देश में बहुत कुछ काम किए जाने की जरूरत है ये आपने कहा, लेकिन पतंजलि योगपीठ के काम से कितना संतुष्ट हैं अभी आचार्य बालकृष्ण जी? जो कुछ सपना लेकर आपने इस काम को शुरू किया था और अभी जहां तक पहुंचे हैं, संतोष देता है या कोई असंतोष है अभी, या पहुंचना कहीं और तक था अभी यहीं तक पहुंचे हैं? देखिए काम बहुत करना है जी, लक्ष्य तो अभी बाकी है जी, पर जितना भगवान ने हमसे कार्य करवाया जी, जितने देशवासियों की स्वीकार्यता हमारे प्रति रही, विश्वास रहा, वह संतोष भी देता है जी। क्योंकि लोगों की स्वीकार्यता, लोगों का प्रेम, वो हमारे कार्यों का मूल्यांकन आकलन है जी। मीडिया के द्वारा या इस तरह के लोगों के द्वारा एक दिन चढ़ाने से या एक दिन उतारने से भाई ना हम हीरो बनते हैं ना विलेन बनते हैं, हमारी शक्ति तो जनता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उनका प्यार, उनका अपनापन, उनका उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं वो जुड़ी हुई है। तो हमको लगता है कि आज पतंजलि के निमित्त बनकर के इस देश के अंदर करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है,
आज स्वदेशी का व्यवहारिक स्वरूप खड़ा हो रहा है और लाखों लाखों जीवन में नई रोशनी आ रही है। श्रद्धेय स्वामी जी 5 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर योग सिखा पा रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे घर घर में काम कर रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने चिकित्सा लाभ दिया है और 65 से ज्यादा देशों के लोग पतंजलि में आकर के चिकित्सा लाभ प्राप्त करके गए हैं, तो ये हमको संतोष और सुख प्रदान करता है। परंतु इस तरह के जो विवाद और पूर्वाग्रह वाले जो लोग हैं, जो एक तबका है, उनसे युद्ध तो अभी बाकी है, वो चलता रहेगा, हम करते रहेंगे, समझाएंगे, उनको बताएंगे, विज्ञान से, शास्त्र से, अनुसंधान से, नहीं भी मानेंगे चाहे कोई विलेन बनाए, चाहे कोई हीरो बनाए, हम मुखर होकर के भी उसका विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे। एक बात जो आपके संदर्भ में है आचार्य जी, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि प्रारंभ में स्वामी जी या आपका संस्थान योग की अलख जगाने का काम कर रहा था, लेकिन अब योग की अलख पीछे रह गई, व्यापार पहले हो गया, व्यापार की प्रमुखता हो गई। क्या कहते हैं आचार्य बालकृष्ण जी इन आक्षेपों के संदर्भ में? ऐसा है भाई जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी श्रद्धेय स्वामी जी, सुबह 5 बजे से लाइव प्रोग्राम चलता है इस कोरोना काल में भी जी, प्रतिदिन आप देखिएगा सुबह 5 बजे से लेकर के श्रद्धेय स्वामी जी 10 बजे तक, यानी पूरा 5 घंटा निरंतर, लगभग जो ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं उनके वर्किंग आवर्स 5-6 घंटे के ही होते हैं, इतने तो पूरा श्रद्धेय स्वामी जी योग में देते हैं जी। इसके बाद में बचा हुआ थोड़ा बहुत समय का वो थोड़े बहुत रिपोर्ट वगैरह लेने में लगाते हैं। ये तो लोगों की, देखो लोगों का काम है कुछ कहना वो कहेंगे, पर जो जानते वो जानते हैं कि एक व्यक्ति योग के लिए, आज भी इस तरह के कोरोना काल में भी हमारे पास लगभग 1000 के लगभग योगी साधक, तो हम पूरा आरटीपीसीआर कराते हैं, पूरा कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत उसके अंदर घुसने देते हैं, वहां पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, प्रतिदिन योग सीख रहे हैं और टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ से 5 करोड़ लोग तक हम प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। उसके बाद में भी यदि लोगों को यह ना दिखाई दे कि योग नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करे परमात्मा, बाकी तो भाई हिमांशु जी हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं अब आखिरी बातचीत आपके माध्यम से आचार्य बालकृष्ण जी पहुंचाना चाहता हूं संदेश के रूप में, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं जनता टीवी और INH के, क्या कुछ ऐसे कोरोना महामारी के दौर में आचार्य बालकृष्ण जी जो हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, एक रोल मॉडल हैं, वो संदेश देना चाहेंगे लोगों को आज के इस दौर के संदर्भ में? जिन घरों में कैजुअलिटीज हुई हैं, जिन लोगों के अपने बिछुड़े हैं, मैं पहले तो उन लोगों के प्रति, हमारी हृदय में भी पीड़ा है, दर्द है, दुख है, उन सब आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए उन सब के दुखों में हम भी साथ खड़े हैं, पतंजलि भी साथ खड़ा है। मैं देशवासियों को एक तो ये हृदय से, हृदय के गहराइयों से मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी चीज, हम सभी लोग देखिए, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए, हमारा शरीर स्वस्थ है तो सुरक्षित है, इस मंत्र को हम ना भूलें। प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम करें, आयुर्वेदिक के जो सामान्य औषधियां हैं, गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, इनका काढ़ा बना करके चाहे आप पिए, टैबलेट के रूप में आप ले लें, अब तो काफी कम हो गया, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो खतरनाक जो चीजें हैं उनसे पूरा बचिए और भयभीत मत होइए। कोरोना के टाइम पर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग भय से, कि लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, अपने घरों में बंद कर लिया, अभी बाहर निकलने से भी हिचक रहे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा, डरिए नहीं, सावधानी रखिए और परिस्थितियों से मुकाबला करिए। डरने से, भयभीत होने से तो हम अवसाद के शिकार हो जाएंगे, इसीलिए कोरोना के कारण से अब डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, दूसरी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, रोजगार लोग के, काफी लोगों के रोजगार भी छिन गए हैं, आर्थिक विपन्नताएं भी बढ़ रही है। तो अभी तो हम कोरोना के दुष्प्रभाव को देख नहीं पाए हैं, हमने कोरोना के प्रभाव को देखा है, कोरोना के डायरेक्ट दुष्प्रभाव को, कोरोना के डायरेक्ट दुष्प्रभाव को देखा है, उसके जो साइड इफेक्ट आने वाले हैं वो बहुत भयानक होने वाले हैं, देह में भी, परिवार में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी, इसके लिए हम लोग तैयार हों, मानसिक रूप से हम सबल बने, प्रबल बने, थोड़ा ध्यान, योगासन, प्राणायाम करें और शक्ति संपन्न बन करके ही हम अपने जीवन को सही ढंग से चला पाए।
बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य बालकृष्ण जी ने कहा कि उनका कहना है कि अभी संघर्ष टला नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत हमें शक्ति संपन्न बनने की है, और शक्ति संपन्न बनने के लिए सबसे बेहतर माध्यम जो है वो योग का है। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इस चुनौती का मुकाबला करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आचार्य बालकृष्ण जी ने कही है वो ये कि चिकित्सकों के संदर्भ में पूर्ण सम्मान रखते हुए उनका मंतव्य यह है कि जिस पद्धति से भी जो लाभ मिल सकता है वो लोगों को मिलना चाहिए। एक दूसरे के प्रति दुर्भावना के स्थान पर सद्भावना के साथ आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू होना चाहिए। आचार्य बालकृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए ऐसे नाजुक समय पर, और जो बातें आपने बताई है मुझे लगता है कि वो काफी कुछ इस विवाद का समाधान आने वाले समय के लिए देगी, क्योंकि आपने अपनी मंशा को बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से। मुझे दीजिए याद सादा प्रणाम।